गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल खान सिस्टर। आई होप सो आप सभी खैरियत से होंगे और आपके दुआओं से हम सभी भी एकदम खैरियत से हैं। तो आप सुबह सुबह मेरे को देख ही सकते हैं कि मैं सुबह सुबह उठकर सबसे पहले बाहर आ गई हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने कल रात ही में अपने सारे कपड़े धो डाले, क्योंकि सुबह में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना रात ही में धुल दिया जाए। तो कुछ कपड़े मैंने बाहर डाले थे, उसके बाद जगह नहीं था तो मैंने कपड़े रख दिए थे और वॉशिंग मशीन में। अभी सुबह सुबह उठते ही मैं सबसे पहले वॉशिंग मशीन में जाकर कपड़े निकाल कर लेकर आई हूँ। और यहाँ देख सकते हैं आप, सारे जो कपड़े हैं वो तो सूख चुके हैं, तो मैं इनको अभी पहले उठा लेती हूँ, फिर उसके बाद इसको डालती हूँ। तो मेरे बाकी के जो कपड़े वो सूख चुके हैं उनको हटा कर फिर इसको डाल देती हूँ। और आपको देख के समझ में आ गया होगा फ्रेंड, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। मेरे को रात में एकदम पूरा मेरा गला दर्द हो रहा था इतना ज़्यादा, और पूरा नाक कान सब जाम हो गया मेरा। तो अभी मैं पहले इसको डाल लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। आ गई बाहर, मैंने सारे कपड़े भी डाल लिए और अभी मैं जा रही हूँ नाश्ते में। आज मेरा मन कर रहा है एप्पल खाने का, तो मैं जा रही हूँ पहले इनको कट करने और उसके बाद खाने, क्योंकि आज फ्राइडे है तो बहुत सारा काम है। तो मैं सबसे पहले इसको खा लेती हूँ, फिर उसके बाद जाती हूँ बाकी के। तो अभी तो काम वाली हमारी आने दी, तो हम ही लोगों को करना पड़ेगा, तो मैं जाती हूँ बाकी के सारे काम करने। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं साहिबा ने पूरा रूम जो है वो क्लीन कर दिया है, क्योंकि आज जुमा है तो सारे कर्टन वगैरह सब चेंज कर दिए हैं और इधर बेडशीट भी चेंज हो गया है। तो अभी मैं जाती हूँ और सारे रूम जो बचे हैं उनको कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ का मौसम जो है आप देख सकते हैं एकदम बादल किया हुआ है और धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है, बट ठंडी का दिन आ गया है तो थोड़ा बहुत तो अब होगा ही। तो मैं जा रही हूँ अभी अपने सारे पौधों में पानी डालने, तो पहले उनमें डाल लेती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स मैं आ गई सुबह सुबह सारे पौधों में पानी देने, क्योंकि आपको तो पता ही है कि पौधों को भी, मतलब जैसे हम लोगों को वो जीने के लिए खाने की ज़रूरत होती है, वैसे पौधों को भी पानी की ज़रूरत होती है। तो अभी जिस तरीके का वेदर चल रहा है उस हिसाब से हमें पौधों को कम से कम सुबह शाम तो पानी देना ही चाहिए। और अभी मेरे को अभी सारे फ्लावर्स अपने एकदम ग्रोथ, सारे फ्लावर्स में अभी मेरे ग्रोथ हो रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इन लोगों को पानी दे के और अच्छे तरीके से इन लोगों को हरियाली एकदम कर दिया जाए। तो इस वजह से अभी मैं सारे पौधों को पानी दे रही हूँ। और आप देख सकते हैं जो मेरा गेंदा है वो ऑलमोस्ट निकल चुका है सब, और अभी मैंने कुछ न्यू प्लांट्स भी बोले हैं भैया को लाने के लिए, तो अभी वो ले कर आएंगे, तो मैं अभी और भी ले कर लगाऊंगी, क्योंकि मेरे पास पॉट भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं, तो मैंने उनको पॉट के लिए भी ऑर्डर दे दिया है। और मैं अपने गार्डन को जितना ज़्यादा हो सकेगा खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रही हूँ करूँगी, और मुझे बहुत सारे भी नए नए फ्लावर्स चाहिए। तो अभी मैं सारे फ्लावर्स जब लगा दूंगी तो मैं आपको और दिखाऊंगी आगे। तो पानी देने के बाद आ गई मैं रूम में, और रूम में अब मेरे को बारी था ये मैट साफ़ करने का। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इस मैट में से गंदगी निकल रही है फ्रेंड्स, क्योंकि डेली इस पे बच्चे बैठते हैं और वो इतना ज़्यादा गंदा कर देते हैं पूरा अपना शार्पनर पेंसिल को शार्प करके बहुत ज़्यादा ही। तो इस वजह से मैं यहाँ पर पूरा ये जो ब्रश है इस ब्रश से पूरा मैट जो है वो क्लीन कर रही हूँ। अभी क्लीन करने के बाद मुझे बहुत सारे काम है, तो मैं फटाफट ये मैट अभी कर लेती हूँ, क्योंकि अभी दो मैट मुझे और भी साफ़ करने हैं। तो पहले इनको फिनिश कर लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और उसके बाद मैं आ गई रूम में बेडशीट बिछाने, क्योंकि साहिबा बाकी रूम में बेडशीट बिछा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस रूम में मैं बेडशीट बिछा लेती हूँ। और उसके बाद पहले मैं सारे बेडशीट बिछा कर उस रूम को सारा क्लीन कर देती हूँ, फिर उसके बाद दिखाती हूँ, क्योंकि जुमा को बहुत ही ज़्यादा काम बढ़ जाता है फ्रेंड। तो अभी सारे फिनिश कर लेती हूँ काम पहले मैं। तो सारे काम करने के बाद मैं एकदम नहा धोकर हो चुकी हूँ रेडी, और आज है जुमा, तो जुमा स्पेशल में आज मैं बना रही हूँ बिरयानी। तो मैं जा रही हूँ सबसे पहले बिरयानी चढ़ाने और बनाने, क्योंकि फिर मुझे जल्दी पढ़ना भी है कुरान वगैरह, तो इस वजह से जल्दी जल्दी जा रही हूँ मैं फटाफट पढ़ने और बनाने। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोग से आगे। तो सारे काम फिनिश करने के बाद मैं आ गई यहाँ पर बिरयानी चढ़ाने, और आप देख सकते हैं मुझे बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी काम करना है। तो अभी मैं यहाँ पर मसाला जो भून रही हूँ उसके बाद ही मैं फिर फटाफट यहाँ पर बाकी के प्रोसेस करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी फ्रेंड्स आजकल टाइम बीतने लगा है, और जुमा के दिन तो ऐसा लगता है ना कि हम लोगों के पैर में व्हील्स लग गया है, इतना सारा काम करना पड़ता है। तो अभी मैं फटाफट यहाँ पर सारे काम कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे अभी कुरान भी पढ़ना है और फिर नमाज़ भी पढ़ना है, उसके बाद मुझे खाना खा के ट्यूशन भी जाना है। तो इस वजह से मुझे बहुत जल्दी जल्दी अपना हाथ बढ़ाना पड़ेगा, और फिर अभी मैं यहाँ पर सारे काम कर लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ।
आप देख सकते हैं फ्रेंड, जो मेरा मसाला है वो भुनी रहा है, उसमें मैंने चिकन ऐड कर दिया है और एक तरफ मैंने पानी भी चढ़ा दिया है और यहाँ पर मैंने चावल भी धुल के रख लिया है। तो इसके बाद ये फटाफट इसमें जो चिकन है वो भुन जाएगा, फिर इसको मैं साइड में निकाल के पानी इसमें ऐड कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, बिरयानी ऑलमोस्ट बन चुकी है और मैं आकर बाहर थोड़ा बैठी क्योंकि मेरे को थोड़ा सर्दी सर्दी वाला फीलिंग हो रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा धूप में नहीं बैठ के, बट उसका थोड़ा सा गर्माहट जो है वो ले लूँ मैं। तो मैं बैठी हूँ बाहर और अभी थोड़ी देर में ही मैं अभी नमाज़ पढ़ कर उसके बाद खाना खाकर मुझे ट्यूशन में निकलना है। तो यहाँ का जो बादल है फ्रेंड्स, आज ना तो प्रॉपर तरीके से धूप निकल रहा है ना प्रॉपर तरीके से बादल कर रहा है, मतलब दोनों मिक्स है, क्लाउडी मौसम है। तो आपको तो पता ही है कि जुमा को बहुत सारा काम हो जाता है और अभी हमारी काम वाली नहीं आ रही है, तो इस वजह से और ज़्यादा काम बढ़ गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग भी अपने घर में क्या क्या काम करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने जितने भी सारे कपड़े धुले थे वो सब कपड़े ला कर यहाँ पर अभी सब तह कर दी हूँ और पूरा बेडशीट वगैरह भी सब एकदम सेट कर दी हूँ। तो मैं जाती हूँ अभी फटाफट। हिसाब से कट कर दिया है। यहाँ पर टमाटर मैंने आसिफ के लिए कट कर दिया है, खीरा जो है आसिफ और साहिबा के लिए कट कर दिया और प्याज जो है वो अपने लिए कट कर लिया है और यहाँ पर मैंने रायता भी बना कर रख लिया है। तो अभी बस बिरयानी बनने का वेट है, बिरयानी बन जाएगा उसके बाद मैं इन लोगों को सर्व करूँगी। यहाँ पर मैंने अपना बिरयानी निकाल लिया है, यहाँ पर साहिबा का बिरयानी निकल गया और यहाँ पर आसिफ का बिरयानी निकल गया, हम लोग तीनों अपना अपना बिरयानी निकाल लिया है। तो अब हम लोग जा रहे हैं खाने। फ्रेंड्स, डेली डेली का यही रूटीन, सब काम करो, सफाई करो, खाना खाओ, नमाज पढ़ो और थक हार के ट्यूशन जाओ। तो मैं अभी जा रही हूँ ट्यूशन, निकल रही हूँ। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वेद है उसने अपना पूरा एक शोरूम खोला है जिसमें सारी तरीके की गाड़ियाँ मिलती हैं, छोटे से लेकर बड़ा ट्रैक्टर भी, बस भी, सब मिलती है। सारी शोरूम में एक खट्टे गाड़ी मिलती है। देख रहे हैं कि अद्दू का जो ये मछली है ये अपने बस में ही नहीं है, देखिए इधर से उधर जा रही है ये मछली। सॉरी, मैंने मछली को अलग पकड़ा ऐसे है। तो ये वुडन की जो मछली है अद्दू, ये बताओ ये शोरूम कौन बनाया है? मैं। तुम बनाया है? हाँ। मेरा नाम क्या है अद्दू? मैं। कौन सी मैम? मैं। नाम बताओ मेरा? अद्दू। मेरा क्या नाम है? मैं। कौन सी मैम? मैं। नाम बताओ? मैं। नाम बताओ? तो फ्रेंड्स, अभी मैं इन लोगों को पढ़ा लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आपको आगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं एकदम थक गई हूँ, इसलिए क्योंकि अभी कल एक मेरी स्टूडेंट का है डांस कॉम्पिटिशन, उसे मैं डांस सिखा रही थी और ये उसका प्रॉप जो है वो मैंने यहाँ पर रेडी कर दिया है। तो उसका जो लुक है मैं आपको सुबह दिखाऊंगी क्योंकि वो अभी घर जा चुकी है थे, मतलब डांस सीख कर। तो मैं इसी के साथ ये व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप सो आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा और प्लीज़ हमारे चैनल पर जाकर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।